भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में आज भी एक राजघराना लगभग 80,000 करोड़ रुपए का मालिक है। इस राजघराने में एक पुराने श्राप की वजह से लगभग 410 सालों तक किसी राजा को कोई बेटा नहीं हुआ था। भारत में आजादी से पहले एक ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने कुत्ते की शादी पर 10 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। यह शख्स जब एक बार देश से बाहर गया तो अपनी पत्नी को ले जाना भूल गया था, मगर अपने कुत्तों को यहाँ भी इन्होंने अपने साथ रखा हुआ था। भारत में पटौदी पैलेस जैसे कुछ घर और पुरानी हवेलियां बताती है कि आजादी से पहले भारत में जो राजा, सामंत और निजाम थे वो कितने विशाल संपत्ति के मालिक थे। और इतिहास की कहानियों से हमें पता चलता है कि ये लोग दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र नस्ल थे जो आम लोगों से बिल्कुल ही अलग तरीके से जिंदगी बिताया करते थे। हैदराबाद के आखिरी निजाम की कहानियों से लेकर ग्वालियर और बड़ौदा और जूनागढ़ के साथ साथ कई रियासतों को अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपको कुछ अजीबोगरीब तरह के लोग मिलेंगे जिनकी कहानियां और अमीरी के किस्से आज भी लोगों को दंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इनमें से एक जगह हैदराबाद के निजामों के किस्से कहानियां बताने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ नया जानने और समझने को मिलने वाला है। द गोल्डन बुक ऑफ इंडिया में बताया गया है कि निजामों की वंशावली का एक सिरा पहले खलीफा अबू बकर से जुड़ता है, लेकिन हमारी कहानी की शुरुआत साल 1911 से करते हुए चलते हैं। इस साल हैदराबाद की आसफ जाही वंशावली के साथ में निजाम मीर उस्मान अली के शासनकाल की शुरुआत हुई थी। हैदराबाद के निजामों की संपत्ति और अमीरी को लेकर के एक बात कही जाती है कि इन लोगों के पास एक समय में जितना पैसा और धन संपत्ति थी उसका आधा भाग भी आज अगर किसी के पास हो तो उसे पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जा सकता है। एक आंकड़े की माने तो 40 के दशक में हैदराबाद के निजाम की कुल संपत्ति अमेरिका के GDP का 2% थी। और साल 1937 में टाइम्स पत्रिका ने मीर उस्मान अली को अपने कब्र पर जगह देते हुए उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया था। साल 2008 में फोर्ब्स ने दुनिया के इतिहास में पहचाने गए तब तक के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट बनाई थी, जिसमें हैदराबाद के 7वें निजाम को 5वें स्थान पर रखा गया था। हैदराबाद का आखिरी निजाम मुकर्रम जहां बहादुर, जो मीर उस्मान अली के पोते थे, उनके कुल संपत्ति एक समय में 25,000 करोड़ रुपया की गई थी। और साल 1980 तक मुकर्रम जहां बहादुर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे। यहां तक आपको इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि निजामों की संपत्ति और अमीरी का पैमाना कितना बड़ा हुआ करता था, मगर ये कहानी अमीरी से शुरू होकर के वहीं पर खत्म हो जाती तो बात ही क्या थी। लेकिन ये कहानी इस पैमाने से इतर भी बहुत बड़ी और चौंकाने वाली है। साल 1734 से अगले लगभग 235 सालों तक हैदराबाद पर निजामों ने शासन किया। मीर उस्मान अली इस कहानी के सबसे अतरंगी और बेमिसाल किरदार है, जो अपने कुल बजट का करीब 11% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने में खर्च करते थे। और आज के भारत में चल रही कुछ बड़ी शिक्षा संस्थानों को शुरू करने और आगे बढ़ाने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार निजाम ने साल 1939 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 1 लाख रुपए डोनेट किए थे। आज उस समय के 1 लाख रुपए की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास होती है। ठीक इसी समय मौलाना आजाद के कहने पर निजाम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 50,000 रुपए डोनेट किए थे। शिक्षा के अलावा मंदिर निर्माण और उनके रखरखाव में भी निजाम ने बेशुमार पैसा लगाया था, जिसके बारे में उनके पोते ने बाद में बताया था कि उनके दादाजी ने लगभग 22 मंदिरों के पुनर्निर्माण करवाए थे और रखरखाव का काम अपने जीवन काल में करवाया था। और अलग अलग संस्थाओं को इस तरह के काम के लिए हजारों लाखों रुपए दिए थे। निजाम ने साल 1918 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी को स्थापित किया था। और दूसरी तरफ पुणे के एक इंस्टीट्यूट ने जब महाभारत के पब्लिकेशन के लिए निजाम से संपर्क किया तो इन्होंने लगातार 11 सालों तक इस काम के लिए पूरा खर्चा उठाने का बीड़ा उठा लिया था और इस काम को आखिर तक पूरी शिद्दत से निभाया भी था। इन सभी बातों से निजाम की कही एक बात बिल्कुल सही नजर आती है। उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों को वो अपनी दो आंखों की तरह मानते हैं और इसलिए किसी एक में भेद करना उनके लिए आसान नहीं है। निजाम मीर उस्मान अली की इस दानवीरता से जुड़ा जो एक किस्सा आज भी इंटरनेट पर पढ़ने सुनने को मिल जाता है, जिसे लेकर लोग आज भी उनकी तारीफ करते हैं, वो आजादी के बाद का है। एक कहानी सुनने को मिलती है कि निजाम ने लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पर नेशनल डिफेंस फंड में 5,000 किलो सोना दान किया था। यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब शास्त्री जी ने सेना की आर्थिक सहायता के लिए फंड को स्थापित किया था तब वो खुद निजाम से मिलने हैदराबाद गए थे और उन्हें फंड में निवेश करने के लिए कहा था। इसके बाद एक शाम को शास्त्री जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए निजाम को फंड में 425 किलो सोना इन्वेस्ट करने के लिए धन्यवाद कहा था। अलग अलग बड़े बड़े बॉक्सेस में प्रधानमंत्री तक पहुंचे इस सोने के भंडार में कई पुराने सिक्के और मुद्राएं भी थी, जिनकी कीमत शास्त्री जी ने करोड़ों में होने की आशा जताई थी। अपने देश की इकोनॉमी, एजुकेशन और मंदिर मस्जिद वगैरह सभी को इतना बड़ा योगदान देने वाले निजाम मीर उस्मान अली ने आजादी के समय अपनी रियासत को भारत में जोड़ने से मना कर दिया था। ये कहानी मीर उस्मान अली की पर्सनैलिटी का
एक और छुपा हुआ पहलू रहा था जिसके बारे में हम आपको किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। मीर उस्मान अली ने एक समय में 185 कैरेट का एक जैकब हीरा खरीदा था जो उस समय दुनिया के सबसे महंगे हीरो में से एक था, और इसी हीरे को निजाम पुराने अखबार में लपेट करके पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। अंग्रेजी हुकूमत से भी निजाम का संबंध बहुत अच्छा रहा था। क्वीन एलिजाबेथ टू की शादी में निजाम मीर उस्मान अली ने रानी को 300 हीरो से जड़ा एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक हार गिफ्ट किया था, और इसी तरह अंग्रेजी हुकूमत ने भी निजाम को बहुत सी पदवियां और इनामों से नवाजा था। पहले विश्व युद्ध के समय निजाम ने अपना पूरा खजाना अंग्रेजों के लिए खोल दिया था, और कहा जाता है कि निजाम ने 2 करोड़ पाउंड दिए थे। ये 2 करोड़ पाउंड आज से 100 साल पहले कितनी बड़ी वैल्यू रखते थे इसका थोड़ा बहुत अंदाजा आप लगा सकते हैं। भारत की आजादी के बाद जब हैदराबाद ने भारत में विलय के लिए हाँ कह दिया तब उनकी संपत्ति 17 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी। निजाम की इस अकूत संपत्ति का सबसे बड़ा जरिया गोलकुंडा माइंस था, जहाँ पर उस समय हीरा और सोने का सबसे बड़ा भंडार मौजूद था। इसके अलावा हैदराबाद उस समय देश की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसकी वजह से आजादी के पहले और उसके बाद भी यहाँ के निजाम को लाखों रुपए सरकार की तरफ से प्रीवी पर्स के नाम से दिए गए थे। आजादी के बाद भारत सरकार की तरफ से निजाम को साल 1971 तक हर साल लगभग 42,85,000 रुपए दिए गए थे। अब क्या आप मानेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से गिने जाने वाले इस व्यक्ति ने 35 सालों तक अपने सिर की टोपी नहीं बदलवाई थी? क्या आप यकीन करेंगे कि इस व्यक्ति को जब कोई सिगरेट ऑफर करता था तो एक साथ 3-4 सिगरेट उठा लिया करते थे ताकि इनके सिगरेट का खर्चा बच जाए? और क्या आपको इस बात पर यकीन हो सकता है कि भारत की सबसे बड़ी रियासत के शासक के कमरे में पूरे साल जाले फैले रहते थे, कचरा पसरा रहता था, और ये जनाब सिर्फ अपने जन्मदिन के अवसर पर ही कमरे की सफाई करवाते थे? मुझे पता है कि आपको ये बातें हजम नहीं हो रही हैं, मगर यह सब कुछ बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति अपने कमरे में बिछी हुई दरी पर बैठकर एक टीन के बर्तन में खाना खाता था, जबकि इसके पास सोने और चांदी के बर्तनों का विशाल संग्रह पड़ा हुआ था। ये जनाब अपने घर आए मेहमानों के जाने के बाद उनकी फेंकी हुई कमजली सिगरेट को जला करके धुआं उड़ाते थे। निजाम साहब अपने घर में बिजली की वोल्टेज कम करके रखा करते थे क्योंकि वो बिजली का ज्यादा खर्चा पसंद नहीं करते थे। ऐसे कई तरह के किस्से कहानियां हैं जो बताती हैं कि निजाम मीर उस्मान अली के पास बेशुमार दौलत थी, और इसके बावजूद भी वो कभी अपने कंजूस स्वभाव को बदल नहीं पाए थे, या यूं कहें कि बदलना नहीं चाहते थे। हैदराबाद के निजामों पर और खास करके मीर उस्मान अली पर बहुत से इतिहासकारों और लेखकों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, और उसी के आधार पर हमें पता चलता है कि मीर उस्मान अली के पास 100 मिलियन पाउंड से ज्यादा का सोना था। इससे 4 गुना ज्यादा जवाहरात थे, सोने की ईंटें, शराब और शैंपेन की बोतलें और करोड़ों रुपए का कैश निजाम के घर और बाग बगीचों में सालों तक यूं ही धूल फांकता रहा। लेकिन निजाम को कभी इतनी बड़ी दौलत की याद ही नहीं आई, और आखिर में लाखों करोड़ रुपए के नोट को चूहे को उतर गए। निजाम पर जब भारत में विलय होने का दबाव बढ़ने लगा तो एक कहानी सुनने को मिलती है कि निजाम ने पुर्तगालियों से मिलकर के गोवा को खरीदने के लिए मोल भाव करना भी शुरू कर दिया था, जिससे उनका पाकिस्तान तक पहुंचना आसान हो जाए। हालांकि हथगंडा काम नहीं आया, लेकिन इससे पता चलता है कि जो निजाम अपने पैसों की सिगरेट खरीदने से भी कतराता था, वो जरूरत पड़ने पर किस तरह से अपने पैसों को जोर आजमाइश पर उतार सकता था। 1 नवंबर साल 1956 तक मीर उस्मान अली हैदराबाद रियासत के राज्य प्रमुख पद पर रहे, और उसके बाद साल 1967 में 80 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया, जिसके बाद इनके पोते मुकर्रम जहां बहादुर हैदराबाद के आखिरी निजाम बने थे, जिनका छोटा सा परिचय हमने आपको शुरू में दे दिया था। लगभग 235 सालों तक चली ये निजाम शाही जब अपने शबाब पर थी, तब निजाम के घर में विलियम डल रिंपल के अनुसार 14,718 लोगों का स्टाफ रहता था। निजाम उस्मान अली की 42 बीबियां थी, जिनका अपना एक अलग स्टाफ हुआ करता था। निजाम के मुख्य महल में 6,000 नौकर काम करते थे, 3,000 बॉडीगार्ड तैनात रहते थे। गाड़ियों के पेट्रोल डीजल पर सालाना $90,000 का खर्चा आता था। घर में 28 नौकर सिर्फ पानी ले जाने का काम करते थे, 38 लोग झूमरों की सफाई करते थे, 15 नौकर निजाम ने सिर्फ अखरोट पीसने के लिए रखे हुए थे। निजाम की रसोई में रोज 2,000 लोगों के लिए खाना बनाया जाता था। उन्हें 16 बेटे और 18 बेटियां हुई थी, और पोते पोतियों और नातियों वगैरह की संख्या 100 के पार पहुंच गई थी। इन सबको निजाम की दौलत में बराबर का हिस्सा चाहिए था, और यहाँ से मुसीबतें बढ़नी शुरू हुई जो आखिर तक इस परिवार के साथ बनी रही। नए निजाम को अपनी प्रॉपर्टीज और दौलत के बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा केसेस दर्ज कराने पड़े, उनके लिए पैसा भी बहुत खर्च हुआ, और साल 1971 में प्रीवी पर्स सिस्टम खत्म हो जाने के बाद कैश की समस्या ने पहले से ही निजाम को परेशान कर रखा था। विलियम डल रिंपल बताते हैं कि उन्हें साल 2001 में निजाम के घर जाने का मौका मिला था, और वहां उन्होंने कई पुरानी चीजें, अस्त्र शस्त्र, गाड़ियां और खास करके 8,000 डिनर सेट देखे थे, जिनमें से हर डिनर सेट में 26,000 बर्तन थे। लेकिन आखिरी निजाम अब इन सब बातों से दूर कभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे अलग अलग देशों में अपना समय बिता रहे थे। उनसे जब कोई व्यक्ति निजाम शाही से जुड़ी बातें पूछता तो बिल्कुल ही खींच जाते थे। ऐसा लगता था जैसे वो इन सब बातों से थक गए थे और अपनी पहचान छिपाकर अकेले शांति से जिंदगी बिताना चाहते थे। हैदराबाद के आखिरी निजाम को विरासत में 1 दर्जन से ज्यादा महल, सैकड़ों किलो सोना और चांदी के साथ साथ बेशकीमती जवाहरात, कलाकृतियां और हीरे मोती मिले थे। लेकिन इसके साथ जो परेशानियां आई थी उसमें फंस करके मुकर्रम जहां बहादुर ने अपने देहांत से पहले लगभग 4,000 करोड़ की संपत्ति को गवा दिया था। जनवरी साल 2023 में इन्हीं सब परेशानियों को झेलते हुए हैदराबाद के आखिरी निजाम का देहांत हो गया, और इस तरह एक बड़ा साम्राज्य खत्म हो गया। एक ऐसा साम्राज्य जो यूनाइटेड नेशन के
कई देशों से बड़ा था और आज के बहुत सारे अमीर देशों और लोगों की संपत्ति उस साम्राज्य की संपत्ति का आधा हिस्सा भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो पर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इस तरह की और वीडियोज हम लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।